कैसा लग रहा? न्यू मॉडल हो क्या सर? सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? खूब करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त जबरदस्त। सो गाइस, एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है नए व्लॉग के साथ ही, और अभी का टाइम हो रहा है 6 बज चुके हैं। और आज कल सब बताया था आपको, बुताई स्टार्ट हो गई है, तो आज फिर से दूसरी जगह जाना है। कल दूसरी जगह गए थे, रात से खेतों में पूरे हल्ले हल नज़र आ रहे हैं। तो ये कुछ अभी मॉर्निंग का व्यू यहाँ से गांव का ज़बरदस्त। तो हमारी जो बुताई हो रही है स्टार्ट, वो हो रही है पहले गाँव से, और फिर जाएंगे हम नीचे साइड, मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर। उसके बाद गेहूं कटाई होगी नीचे से ऊपर की ओर। तो कुछ इस तरीके से चल रहा है काम। तो अभी पहुंचता हूं खेत में, क्योंकि सांस थकान बहुत जल्दी लगती है मेरे को। खेत में मिलते हैं, आग उग जलाते हैं, तो मिलते हैं आपको। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं खेत में, और खेत की हालत इतनी बुरी हो रखी है, लग भी नहीं रहा है ये खेत की बुआई हो रखी होगी, क्योंकि खेत में ना बरसात की वजह से नमी ऐसे जम गई कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि पहले कभी खुदा हुआ हो। तो सबसे पहले वादी है इस खेत की, फिर इसके ऊपर एक है, फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर ऊपर तीसरा, और फिर ऊपर चौथा। तो यहाँ पे हैं चार, एक पांच, पांच खेत हैं यहाँ पे, जो कि अभी हो ही जाएंगे ख़त्म। तो पांच खेतों में हल लगेगा और बीज बोता जाएगा झुमोरे का। इसके बाद झुमोरा बोतने के बाद कुछ टाइम बाद, तो उसके 10-15 दिन बाद कोदा बोता जाता है। और गांव सारी में पूरे बैल ही बैल बुताई के लिए जा रहे हैं। तो इस टाइम बुताई चल रही है काफ़ी ज़्यादा लेट, क्योंकि बरसात इतनी थी कि बरसात के चक्कर में बुताई नहीं हो पाई। तो इस टाइम थोड़ी लेट हो रही है बुताई, और ठंड भी काफ़ी हैवी, मतलब कि दिन में तो गर्मी हो गई है, बट मॉर्निंग टाइम में ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी हमको जलानी है आग, मतलब कि जो खेत में जो खरपतवार साइड की झाड़ियाँ होती है ना, उन पर लगानी आग, जैसे कि ये है, इसको जलाएंगे। ये वैसे कल शाम को जलाना था, बट हम इसे नहीं जला पाए, क्योंकि हमें यहाँ पे खतरा था काई का आग लगने का, इस पे घास पे। हमने कहा मॉर्निंग में अपने सामने ही जलाएंगे। तो पकड़ लिए आग, जलेगा खतरनाक। बस डर एक ही रहता है कि ये कहीं उड़े ना और इधर घास पे ना आ जाए, बस बाकी तो और टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर कांटा भी चुभी चुभ गया है मेरे हाथ पे, ये देखो गिर गया भाई सबसे पहले। तो जलाते हैं आग फटाफट से, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में जब बैल आ जाएंगे। तो गाइस, धीरे धीरे काफ़ी भयंकर आग पकड़ ली है इसने। बस मेरे को एक ही बात का डर है कि कहीं घास पे ना आ जाए एक भी फुहारा, अगर घास पे आ गया तो घास की तहस नहस कर ले जाए। बाकी आवाज़ सुन सकते हो आप फुल पावर वाली, भयंकर आग की लपटें। अरे फुहारे यार, बुझ जाओ भाई, घास पे मत जाना। पूछिए तो बड़े भयंकर फुहारे आ उठते हैं यार गाइस। तो गाइस, बैल भी आ चुके हैं और सूर्य दर्शन भी हो चुके हैं, सूर्य देवता भी प्रकट हो चुके हैं पहाड़ियों के ऊपर से। और अभी गांव में धूप भी पूरी आ चुकी है, बाकी नीचे साइड अंधेरा है। और बब्बी लगा रही कुदाल, चाचा जी लगा रहे हैं हल, और हम बैठे हैं इधर आग के सामने। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 3:26, और आज बहुत दिनों बाद बाइक चलाऊंगा, कम से कम 1-1.5 हफ्ते बाद।
तो आज चलेगी एक डेढ़ हफ्ते बाद बाइक, क्योंकि आजकल बाइक चलाने का टाइम ही नहीं मिल रहा। तो गाइस मैं जा रहा हूँ इस टाइम लकड़ी के लिए और बबी जा रही है 5 किलो, तो दोनों साथ ही जा रहे हैं बाइक पे। तो अब मिलते हैं आप लोगों को डायरेक्ट जंगल पे, जहाँ हम पहुँच जाएंगे मस्त से नज़ारे के पास। सो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ जंगल पे। इस टाइम जा रहे हैं हम नदी के रास्ते और आगे से जा रही हैं महिलाएँ। तो वहीं यहाँ पे जो जंगल जाने का पुल था वो टूट चुका है। तो ये सरकारी बजट के सरकारी काम। सो गाइस फट चुकी है हमारी लकड़ियाँ और हमारी लग चुकी है वाट पसीने से। बाकी बीना देवी जी यहाँ भार लगाए और बब्बी ऊपर सारी देखो झाड़ियों के अंदर से। बब्बी का एक्सपीरियंस लेते थोड़ी देर में, कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है। यहाँ पे दिख रही है आपको बब्बी, अभी इन लकड़ियों को ले जाने में भी आपत्ति आएगी। बब्बी कितना मजा आ रहा है, आओ आओ जल्दी आओ। फारक बोल मैं गिनुक फारक बोल देखो बहस बाजी तुम नहीं ले जाने हो। कैसा लग रहा है ना, कैसा लग रहा है मस्त। हिमुडेलो दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, गार्डन गार्डन कर रहा है। गाइस अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। सो गाइस अभी ऐसा लगाया जा रखा है भाड़ा और मैं लेके जा रहा हूँ ऐसे घर, तो मिलते हैं आपको घर पे। बाकी बसंती अपनी फुल पावर दौड़ रही है। ज़्यादा रिस्क नहीं उठाते हैं, एक हाथ छोड़ के बाइक चलाना बेकार ही होगा। मिलते हैं आपको। टाइगर निकल चुकी है और हम जा रहे हैं आज कहाँ, जगतपुरी। तो चलो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको आज जगतपुरी का सुंदर सा मार्केट और सुंदर सुंदर नज़ारों के साथ। धूप भी काफ़ी अच्छी लगी है। तो मिलते हैं आपको आगे नेक्स्ट डेस्टिनी पर। तो भाई अभी हम निकल चुके हैं जगतपुरी के लिए और मेरे साथ हैं आज हेमंत और हमारे चाचा जी मनवर चाचा जी, और जिनको मैं अभी कैमरे की लोकेशन बता रहा हूँ कि आगे कैमरा लगा है बट उन्हें दिख नहीं रहा, तो अभी इनको फिर से बताएंगे कि हमारा कैमरा इधर लगा है। तो अब हमारे चाचा जी ने कैमरा देख लिया और बाकी मिलते हैं आप लोगों को जगतपुरी में जाके और बताते हैं हम क्यों गए थे, किस वजह से गए थे, वो आपको पूरी बात बताएँगे। तो अभी हम फाइनली पहुंच चुके थे जगतपुरी मार्केट और ये कुछ है जगतपुरी मार्केट। तो हम आए थे यहाँ पे अपने बाल सेविंग कराने और चाचा जी ने बाल बनवाने थे और मैंने अपनी जो दाढ़ी थी मतलब कि बीएड थी उनको थोड़ी ट्रिम कराना था मेरे को, तो इस वजह से आए थे। और हेमंत भाई के यहाँ पे एक बाइक थी तो जो कि ख़राब पड़ी हुई थी और हम आए थे उसे लेने। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं घर वापस और ये निकल चुके हैं हेमंत भाई आगे। बाकी आप म्यूजिक के साथ साथ इन्जॉय लीजिए। बाकी आगे आपको स्टंट देखने को मिलेंगे और स्टंट में देखने को मिलेगा व्हीली ड्रिफ्टिंग, बस ये दो चीज़ मिलेंगी, बाकी आप आगे इन्जॉय कीजिए।
अभी तो अब हुआ स्टार्ट। फैन मेरे टायर रगड़ दिए। मेरे पूरे टायर गंज कर दिए इन्होंने। कोई नए टायर के पैसे दो मुझे जल्दी। रिकॉर्ड कर हां तो नहीं हो रहा।